अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। यहाँ दोस्तों आज आपके लिए हम लेके आए हैं कैमरा कंपैरिजन वीवो के V9 का और हुआवे के P20 लाइट का। दोनों ही फ़ोन बेजल लेस आते हैं, दोनों ही नॉच में आते हैं, दोनों ही 19:9 की रेशो पे आते हैं। V9 में आपको मिलता है फ्रंट 24 मेगापिक्सल कैमरा जिसके अंदर अपर्चर होता है 2.0 का, और P20 लाइट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि होता है 2.0 के अपर्चर के साथ। आपको साथ साथ ये भी पता चले कि V9 के फ्रंट कैमरे में भी 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद होती है, लेकिन P20 लाइट में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। और ये रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इन कमेंट सेशन मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा कैमरा आपको बेहतर लगा, कौन सा नहीं। दोनों ही प्राइस लगभग तकरीबन एक जैसी मार्केट में देखने को मिलती है, 36,000 की राउंड अबाउट आपको देखने को मिलती है। आज की इस कैमरा कंपैरिजन में आपको पता लगेगा कि इन दोनों में से किसका कैमरा आपको बेहतर मिलने वाला है, कहता नहीं किसका नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी बहुत सारी वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ दोस्तों आप देख रहे होंगे कलर सैचुरेशन V9 में काफ़ी बेहतर है P20 लाइट से। नॉइस की बात करेंगे तो नॉइस मुझे नज़र आ रहा है रियर साइड पर P20 लाइट के, लेकिन अगर बात करें V9 की तो V9 के अंदर आपको अपर्चर लेवल इस टाइम काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा साए में आ गया हूँ, गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है। अब आपको थोड़ा सा ये मैंने जो फ़ोन पकड़े हुए मैंने हॉरिजॉन्टल शेप में, मैं इनको वर्टिकल शेप में करके दिखाऊंगा आपको। जी हाँ दोस्तों, अब मैंने ये फ़ोन पकड़े हैं वर्टिकल शेप में। अब आपको एंगल्स का भी पता लग जाएगा और बताएंगे कि इनके अंदर, इन दोनों ही फ़ोन्स के अंदर ना तो आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है, ना ही आपको कोई इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजेशन मिलती है। तो थोड़ा सा मैं तेज़ चल के दिखाऊंगा कि आपको कौन से फ़ोन में बेहतर स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है, कौन से में नहीं। यहाँ दोस्तों आपको डायनामिक रेंज V9 में बहुत बेहतर मिल रही है। 1080p पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अब चलते हैं नाइट मोड के कैमरा की तरफ। पहले आपको दिखाएंगे नाइट मोड की वीडियो की, उसके बाद करेंगे पिक्चर्स की बात, फिर एज यूजुअली बात होगी रियर साइड के कैमरा की नाइट और डे की, फिर चलेंगे एंड की तरफ। तो चलते हैं नाइट के मोड की तरफ। सो लाइट्स ऑफ गाइस। तो मेरे कहने पर लाइट्स तो ऑफ हो गई, लेकिन मेरे कहने पर आप लोग लाइक कम करते हैं। चलो मेरे कहने पर लाइक भी कर दें मेरी वीडियो को, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है। सर गाइस, आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं नाइट मोड में P20 लाइट और वीवो V9 से। आपको कलर्स काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहे होंगे। मैं एक जगह खड़ा हूँ, लाइट करीब है, दोनों में ही आपको डायनामिक रेंज की कमी थोड़ी सी नज़र आएगी, लेकिन V9 बहुत बेहतर काम कर रहा है। बड़े डिस्प्ले की वजह से लाइट प्रॉपर पड़ रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है V9। यहाँ दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन की, मैं आपको तेज़ चल के दिखाऊँगा। आज मैंने ये वीडियो बनाई है हॉरिजॉन्टल शेप में, दोनों को ही करके लैंडस्केप शेप में करके। पहले मैं बनाता था पोर्ट्रेट शेप में, अब मैं आपको पोर्ट्रेट शेप में भी लेके आऊँगा दोनों को। यहाँ दोस्तों अब हम पोर्ट्रेट शेप में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं P20 लाइट और V9 के कैमरे से। P20 लाइट थोड़ा सा डल नज़र आ रहा है, बल्कि थोड़ा सा नहीं, काफ़ी सारा नज़र आ रहा है। दोनों की फ्रंट पर आपको फ्लैश लाइट नहीं मिलता। V9 में आपको फ्रंट कैमरे से 1080p की रिकॉर्डिंग मिलती है, 4K की रिकॉर्डिंग मिलती है, और बहुत सारा आपको अपर्चर लेवल बेहतर मिलता है। अब थोड़ा सा मैं आपको अंधेरे में लेके चलूँगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि दोनों में आपको कलर्स क्या मिलते हैं। लाइट के सामने ही रहूँगा ताकि आपको पता लग सके कि प्रॉपर इन दोनों के अंदर आपको नाइट मोड में कैसा लेवल मिलता है, कैसा नहीं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, मैं बार बार कहता हूँ कि लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लाइक और शेयर करने से मुझे पता लगे मेरी वीडियो आपको पसंद आती है कि नहीं। सो नाइट मोड में फ्रंट कैमरे में विनर होगा ऑब्वियसली V9। यहाँ दोस्तों यहाँ वोट दूंगा V9 को फ्रंट कैमरे में। अब जी दोस्तों बात करेंगे सेल्फी कैमरा की, तो ये मैंने पिक्चर ली गई है, दोनों ही नॉर्मल मोड में ली है। V9 पे थोड़ा सा बैक साइड पर नॉइस नज़र आ रहा है, कलर्स कम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा, कलर काफ़ी ब्राइटर नज़र आ रहे हैं। और अगर P20 लाइट की बात करूँ तो फ्रंट कैमरा थोड़ा सा वाइड एंगल होता है, जिसकी वजह से आपको रियर साइड के कलर्स और रियर साइड का व्यू आपको वाइड मिल रहा होता है, तो काफ़ी बेहतर रेजोल्यूशन दे रहा है P20 लाइट इन कैमरा फ्रंट कैमरा पिक्चर। और V9 में आपको देखेंगे तो आपको मेरे चेहरे पर भी नॉइस नज़र आ रहा होगा, और आपको मेरे हेयर्स में भी नॉइस नज़र आ रहा होगा। अब बात करेंगे पोर्ट्रेट मोड के पिक्चर की, तो पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर की मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने ये दो पिक्चर्स ली हैं, एक ली है मैंने V9 से और एक ली मैंने P20 लाइट से। लेकिन P20 लाइट में थोड़ा सा मुझे इशू ये आ रहा है कि बैक साइड के जब ऑब्जेक्ट करीब होते हैं तो ब्लर नहीं होते, पोर्ट्रेट मोड ऑन नहीं होता। बाकी ऑल ओवर अगर मुझे फोकस मेरे चेहरे पे देखें तो आप काफ़ी कस्टमाइजेशन नज़र आ रही होगी, एजेस काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे होंगे, और V9 में आपको बहुत सारा नॉइस नज़र आ रहा होगा, बालों में हो गया या मेरी बियर्ड हो गई, लेकिन बैक साइड आपको ब्लर मिलता है। अब बात करता हूँ मैं एक और पिक्चर की, मैंने इसे इंक्लूड की, मैं था मरी में ये पिक्चर कैप्चर की,
तो मुझे इसके अंदर आप देखेंगे कि फोकस जो मेरे बैक साइड के ऑब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े से दूर हैं मुझसे, तो P20 लाइट ने बहुत बेहतर फोकस किया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पिक्चर। लेकिन V9 की अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आपको नॉइस काफ़ी नज़र आ रहा होगा। P20 लाइट फ्रंट साइड के कैमरा में बहुत बेहतर नज़र आया मुझे पोर्ट्रेट मोड में। इवन इसके अंदर आपको वाइड एंगल व्यू भी मिल रहा था, ब्यूटी भी सेट कर सकते हैं। मैंने दोनों टाइम में ब्यूटी रखी हुई थी, 5 में वीवो वी 9 में भी और P20 लाइट में। अब बात करते हैं अगली पिक्चर की, तो अगली पिक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने पिक्चर ली है ये मैंने लिया रियर साइड के कैमरा से, दोनों ही पोर्ट्रेट मोड में ली गई हैं। हम आज डिस्कस पहले करेंगे पोर्ट्रेट मोड, फिर बाद में करेंगे नॉर्मल मोड को रियर साइड के। तो रियर साइड की पोर्ट्रेट मोड में ये ली गई है, आप देखेंगे कि P20 लाइट में आपको डायनामिक रेंज प्रॉपर मिल रही है, कलर रेवोल्यूशन पूरा मिल रहा है, इवन जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो बड़ा बैलेंस मिल रहा है। V9 में थोड़ी सी मुझे कमी नज़र आई, एक तो बैक साइड प्रॉपर मुझे ब्लर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, अगर है तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हो रही रियर साइड पर भी। और आप देख रहे होंगे कि मेरे हेयर हो गए, या आपको लिटरली अगर मेरे बाजुओं के आप गैप में देखेंगे तो आपको ग्रास जो है ना वो राइट हैंड साइड पर ब्लर होता हुआ नज़र नहीं आएगा, P20 लाइट में वो ब्लर होता है। तो रियर साइड के कैमरा या पोर्ट्रेट मोड की बात करूँगा तो P20 लाइट बेस्ट होगा। अब अगली पिक्चर की तरफ चलेंगे, तो अगली पिक्चर मैंने ली है एक ऑब्जेक्ट की, एक फ्लोर की, बहुत करीब से। इसमें आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि दोनों बैक रियर साइड के कैमरा से कौन से ले लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगा इस पिक्चर की, तो ये सिंपली पिक्चर एक कैप्चर की गई है P20 लाइट को लेके, और P20 लाइट और वीवो V9 को, इन दोनों के अंदर भी मुझे सिर्फ कमी कलर कॉन्ट्रास्ट की लगी, बाकी ऑल ओवर V9 भी रियर साइड पर 16 मेगापिक्सल मिलता है, P20 लाइट में भी आपको 16 मेगापिक्सल मिलता है, बैलेंस है। लेकिन मुझे कलर्स की बात करूँ तो मुझे P20 लाइट पे बड़े नेचुरल कलर मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वीवो V9। वीवो V9 में मुझे रियर साइड पर थोड़ा सा नॉइस नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट को प्रॉपर कस्टमाइज़ नहीं कर पा रहा, ब्राइटर है थोड़े से कलर, कलर्स कम्बिनेशन थोड़ा सा लो नज़र आया मुझे रियर साइड के कैमरा में वीवो V9 में। और फ्रंट कैमरा के जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे सिर्फ नॉइस की वजह से थोड़ा सा पसंद नहीं आया, अदरवाइज़ बैलेंस डिवाइसेस हैं, दोनों एक ही बजट रेंज में आ रहे थे। अब मैं बात करता हूँ एक अगली पिक्चर की, ये मैंने बात की थी अब एक ऑब्जेक्ट की पिक्चर ली, इसमें V9 ने बड़ा अच्छा ब्लर दिखाया। लेकिन कलर्स की बात करूँगा तो कलर इसमें भी मुझे ब्राइटनेस लेवल ज़्यादा मिला देखने को, लेकिन ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया इसने V9 ने। इन अगर ऑब्जेक्ट फोकस की बात करूँगा तो मुझे दोनों ही बैलेंस नज़र आएंगे। P20 लाइट के कलर्स की बात करूँगा तो कलर्स काफ़ी हद तक मुझे बेहतर नज़र आएंगे वीवो V9 से, डिफरेंस आपको भी नज़र आ रहा होगा। ग्रीन लीव्स जो हैं वो आपको बड़े प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं ब्लर होते हुए इसमें P20 लाइट में, लेकिन वीवो ने V9 ने जो ब्लर किया है वो ब्लर एज़ कम्पेयर टू P20 लाइट ज़्यादा किया। और इसके वीवो V9 में आपको इमेज कैप्चर करने के बाद भी आप उसको ब्लर एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके अंदर ऑप्शन होती है। P20 लाइट में भी आपको वाइड अपर्चर में ये ऑप्शन मिल जाती है। अब ये मैंने आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में ली, इसके अंदर मुझे बड़ा शॉक लगा, वीवो V9 ने इतने कलर्स प्रॉपर नहीं दिए, एक ही जगह सेम ही पोज में ये पिक्चर ली गई है। टी शर्ट का कलर ओरिजिनली ब्लू था, वीवो V9 में फीका पड़ गया, आई डोंट नो वाई इसके अपर्चर लेवल ने इतना काम नहीं किया। लेकिन अगर आप P20 लाइट की पिक्चर को देखें तो ये बहुत प्रोमिनेंट कलर दे रहा है, कस्टमाइज पूरा कर रहा है। तो रियर साइड में भी आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में P20 लाइट का पिक्चर कैप्चराइजेशन में, पिक्चर्स पोर्ट्रेट मोड में P20 लाइट का कैमरा बहुत बेहतर होगा रियर साइड। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इस सेल्फी पिक्चर की, तो इसके अंदर भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि P20 लाइट में आपको थोड़ा बहुत मेरी दाढ़ी में नॉइस नज़र आ रहा होगा, लेकिन अदरवाइज़ P20 लाइट बड़ा बैलेंस काम कर रहा है आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में। सेम ही मैं वो बात करूँगा जो मैंने रियर साइड पर बात की, मैंने टी शर्ट ब्लू कलर की पहनी है, आपको P20 लाइट में थोड़ा सा इसके अंदर अब प्रॉब्लम आया कि इसके अंदर इस टी शर्ट का कलर थोड़ा सा फीका नज़र आया, लेकिन V9 में आपको काफ़ी बेहतर रेजोल्यूशन मिला फ्रंट कैमरा में। आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में V9 बेस्ट रहा फ्रंट लाइट के फ्रंट कैमरा में, रियर में रहा P20 लाइट। अब बात करते हैं वीडियोस की, तो चलते हैं वीडियोस की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रियर कैमरे से P20 लाइट के और V9 के। P20 लाइट में आपको मिलता है 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ फैक्ट के लिए जिसको आप यूज़ कर सकते हैं पोर्ट्रेट मोड के लिए, और V9 में भी आपको रियर साइड पे मिलता है 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा, 5 मेगापिक्सल का होता है डेप्थ फैक्ट के लिए। आपको कलर्स की बात करें तो आपको P20 लाइट में थोड़े से कलर ब्राइटर नज़र आ रहे हैं, डायनामिक रेंज कम नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू V9। V9 में आपको काफ़ी बेहतर कलर देखने को मिल रहे हैं, नेचुरल कलर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था, मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि
P20 लाइट बहुत बेहतर काम करेगा डे में। अब फोकस की बात करते हैं तो ये एक फ्लॉर है, इसको फोकस करके आपको दिखाएंगे कि कौन सा फ़ोन बहुत जल्दी फोकस कर लेता है कौन सा नहीं। या दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि V9 थोड़ा लेट फोकस कर पाता है और P20 लाइट बहुत जल्दी फोकस कर लेता है। इवन P20 लाइट में थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि वो फोकस जल्दी कर पा रहा है और कलर्स को प्रॉपर नहीं दे पा रहा। अब आप देखें फोकस, थोड़ा सा मैं वीडियो उसको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ हर वीडियो में, एक वीडियो के बाद। अब मैं आपको इसको क्लिक करके फोकस क्लियर, यस जी दोस्तों अब इसने फोकस किया है। काफ़ी देर बाद V9 ने फोकस किया। फोकसिंग में P20 लाइट 100% बेटर रहा। एजेस की बात करें तो एजेस आपको V9 में क्लियर देखने को मिल रहे हैं आफ्टर फोकस, और P20 लाइट में आपको इतना एजेस क्लियर नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा फ्लॉर के ऊपर नॉइस नज़र आ रहा है। और स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे तो स्टेबलाइजेशन अभी मैं आपको थोड़ा सा तेज़ चल के दिखाऊंगा कि आपको स्टेबलाइजेशन किस फ़ोन में बेहतर मिलती है किस में नहीं। P20 लाइट में आपको काफ़ी बेहतर स्टेबलाइजेशन मिल रही है एज़ कम्पेयर टू V9, लेकिन V9 भी इतना कम नहीं है। इससे इस रेंज के बजट रेंज में आपको इस तरह का बैलेंस कैमरा फ़ोन मिलता है, एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आजकल कैमरा के ऊपर लड़ रही हैं। अब चलते हैं रियर कैमरा की तरफ नाइट मोड में, फिर चलेंगे अपने एंड की तरफ। सो गाइस मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको दोनों में से किसका कैमरा पसंद आया किसका नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं P20 लाइट के रियर कैमरा से, जो कि होता है 16+2 मेगापिक्सल का, और V9 के जो होता है 16+5 मेगापिक्सल का। दोनों की फ्लैश लाइट ऑन है। मैं काफ़ी अंधेरे में खड़ा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि क्या मेरे चेहरे पर आपको नॉइस नज़र आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि इस टाइम दोनों ही मेरे ऑपोजिट कैमरा है। आज मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी ही वीडियो बना के बताता हूँ कि नाइट मोड में आपको दोनों को फ्लैश लाइट में क्या लाइट मिलती है क्या नहीं। अब बात करते हैं थोड़े से स्टेबलाइजेशन की, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे चल के पहले दिखाऊँगा, फिर मैं आगे आके आपको दिखाऊंगा कि आपको स्टेबलाइजेशन क्या मिलती है। अब मैं इन दोनों की फ्लैश लाइट ऑफ करता हूँ, आपको थोड़ा सा आर्टिफिशियल लाइट्स में लेके चलता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने दोनों की फ्लैश लाइट ऑफ कर दी है, मैं आ गया हूँ आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में। आपको नज़र आ रहा होगा दोनों के अंदर के मैं अब आपको लाइट में कैसा लग रहा हूँ कैसा नहीं। तो दोनों का ही कैमरा बैलेंस है, लेकिन मुझे V9 का नाइट मोड में बैलेंस लगा। कैमरा फ्रंट का रियर का भी बहुत बेहतर लग रहा है। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मुझे दोनों का कैमरा में से किसके अंदर आपको नज़र आई, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने वर्टिकल शेप में अपनी तरफ कैमरा किए हुए हैं, मुझे दोनों का रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। आप जज कर सकते हैं बेहतर कि किस में अपर्चर लेवल बेटर मिल रहा है किसका किस में नहीं। आपको लेके चलता हूँ फोकस की तरफ कि कौन सा फ़ोन रियर कैमरे में जल्दी फोकस कर पाता है, उसके बाद चलते हैं एंड की तरफ। ये दोस्तों बात करेंगे फोकस की, तो मैं आपको बताऊंगा कि फोकस में दोनों ही फ़ोन मुझे नॉर्मल एक जैसे लगे। अब मैं आपको गाड़ी की लाइट फोकस करके दिखाऊंगा, तो दोस्तों ये आप फील करेंगे कि दोनों ही फ़ोन बराबर ही टाइम में फोकस कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप नोटिस करेंगे कि दोनों में ही आपको फोकस बराबर मिलता है। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मैं हूँ लिया पास मास्टेक से। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।